ये खबरें वायद है
इस पर इजमा हुआ है, खिलाफत पर इजमा तस्लीम किया जाए या न किया जाए ये एक अलग तहकीक की बात है, लेकिन इसको सनद उस वक्त माना गया है जब पूरी उम्मत ने इस पर इत्तेफाक किया। इसका मतलब यह है कि ये इजमा एक नसी तान है, बोल के तमाम की सहेलियों ने कहा कि ये अकीदा दुरुस्त है। तो इस अकीदे की मुखालिफत किसने की है? खारिजियों ने की है। तो इजमा एक नसी तान की मुखालिफत जो है वो किस्म को बरियात है, जैसे मैंने किताब भी की है उसके अंदर आज लोगों का ख्याल है इस मसले को छेड़ने की क्या जरूरत है, ऐसा बात ई अमा और इसको तुम ना छेड़ते तो मैं कभी ना छेड़ता। तुमने जब इसको पूरी किताबों की किताबें लिखी और इसे मुनकरे अली पैदा मुनकरी ने अली पैदा किए हैं तो सब मेरे लिए फर्ज बनता था कि सुभान अल्लाह के सुनने की जान है अली सुभान अल्लाह बेशक हजरत अली मुर्शा को बीच में निकाल के सुनने का कोई भी जुर्म नहीं है। जो मुसलमानों की इस सब को बराबर रखने के लिए सबसे बड़ी कुर्बानी दी है वो मेरे जद्दे करीम इमाम अल्लाह सुभान अल्लाह नारे तकबीर नारे रिसाल नारे हैदरी नारे गौसिया खदमत और शान मुस्तफा नवासा रसूल हुजूर मुफक्कर इस्लाम एक अफजल नहीं मफजूल क्या हुआ दस्तबरदारी का ऐलान किया कि वो खुलफा में से है फतेह मक्का के बाद के मुसलमान हैं और इस पर कुरान की नस्से सही है ला युसरी मिनकुम मन अनफका मिन कब्ल फतेह व कातल जिन लोगों ने मक्का फतह होने से पहले जाने और माल खर्च किए उनकी बराबरी बाद में आने वाले नहीं कर सकते। इमाम हसन अली बैक में से भी हैं और शबाब आले जन्नत हैं और हजरत अमीर मामिया रज़ियल्लाहु अन्हु मकाम से हैं। उस तारीख सरकार नुमाया जब मक्का फतह हुआ इन सबको पता था कि हमें गुलाम बना लिया जाएगा क्योंकि उसके प्रवीण इलाके के मुताबिक कानून ये था फाते अपने मफ़ूक को जिसकी औरतें होती थी कलीजे बनाई जाती थी जिसने मर्द होते थे वो गुलाम बनाया जाता था। तो जिन लोगों ने सरकार की जान लेने के लिए नापाक तदाबीर की हैं वो तो इस बात के ज्यादा से ज्यादा हकदार थे कि उनके खिलाफ सबसे सख्त इकदाम किया जाए। सरकार की फरादरी साहब ने अपने भाइयों से कहा था कि तुमने कभी मुझे कुएं में गिराया था, आज हाजर मन बन के मेरे दरवाजे पर खड़े हो और उन्होंने कहा था खुदा की कसम अल्लाह ने हमारे मुकाबले को चुन लिया है और हम गलती पर थे उस वक्त आपको कत्ल करने की तदाबीर की थी और यूनानिमस डिसीजन मुत्तफ़िका फैसला पूरे हाउस का कि कत्ल किए बगैर चारा थी जब वो सरकार के हाथ लगे तो मैं लाश तस्लीम अलैकुम यौम पर भी पकड़ के तलाका सहाबा की सबसे आखिरी कैटेगरी तलाका है ये उनमें से थे और हजरत इमाम हसन आले बैत रसूल में से थे और शेर रसूल के शाह सवाल सुभान अल्लाह रोज सुख लेने से आदमी अपनी सबों में मुख्तलिफ किस्म का इंसान बन जाता है सुभान उसकी जुबान सुभान अल्लाह शहर खारे लुहाबे सुभाने नहीं है उनका नाम के साथ खास तौर पर मशहूर हो गया बाकी जिन लोगों में जन्नती होने का खुशखबरी सुनाई है वो भी जन्नती है। जब इनको फरमाया जन्नत के नौजवानों के सरदार है तो जन्नत से बैठा के सरदार ये जन्नत के नौजवानों का सरदार है इसका मतलब जन्नत में तो कोई बूढ़ा होगा नहीं
सारे जवान होंगे तो आले जन्नत का सरदार, इनका नाना सारे नबियों का, सारी कायनात का सरदार, इनकी माँ जो है वो सारी औरतों की सरदार, सारे जवानों का सरदार। कुर्बानी तो हमारे खानदान ने दी है सुनील के लिए, कुर्बानी हमारे खानदान ने। बताओ कोई आदमी तुम्हारी तारीफ, कोई सहाबी, कोई ताबी, कोई बादशाह जो किसी एक ऐसे आदमी के हक में दस्तबरदार हुआ हो जो मंजूर हो और दस्तबरदार होने वाला अफजल हो। अफजल मफजूल पर कुर्बानी दे सिर्फ सुनील को बचाने के लिए। आज अपने आप को सुनील का ठेकेदार समझते हो? हम तो नहीं जानते कि तारीख तुम्हारा नाम भी ले दिए। मेरा मुझसे लेकर के नबी करीम साहब के घर तक रोजे बने हुए हैं, खानकाहें बनी हुई हैं, क्रिया मुर्गियाँ मौजूद है जिसमें शरीर को ट्रेस करने के लिए किसी की मदद नहीं करनी पड़ती कि तस्दीक करो नबी से नहीं हम लोगों से। आज के हालात में जरूरत के मुताबिक कलम भी उठाना पड़ता है, जरूरत के मुताबिक बात भी करना पड़ती है। आज कजला के वहाँ सैयद शाह अब्दुल्ला गाजी रहमतुल्लाह की दरगाह पर बम मारे हैं और उधर ये पेश किया कि वो शिरक करते हैं। तुम्हारे पीरों और मुर्शिदों ने भी ये काम किया था, ये